नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पर दिखाई देता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई और एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के 17 ठिकानों पर रेड पड़ रहे थे, वही दूसरी तरफ नीतीश कुमार की यह बड़ी बैठक कहीं ना कहीं बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक अचंभित फैसला था। सभी लोग ये सोच रहे थे कि नीतीश ने बैठक बुलाई क्या होगा, किन मसलों को लेकर बातचीत होगा, और इस बैठक में जदयू के तमाम मंत्री पहुंचे थे, वहीं जदयू के कई विधायक भी मौजूद थे। ऐसे में पंचनामा वाले डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे कि इस बैठक में क्या बातचीत हुई है। डॉक्टर साहब, कई विधायकों का कई मंत्रियों का कहना है कि राज्यसभा को लेकर भी बातचीत हुई है और कई मुद्दे से पार्टी को लेकर नीतीश कुमार पर हम लोगों ने सब कुछ छोड़ दिया, क्या बातचीत हुई है? देखिए, बातचीत क्या हुई जी, तो हम लेकिन उससे पहले क्या बातचीत हुई ये पता चला है मुझे जी। मुझे पूरी जानकारी मिली है कि एग्जैक्टली नीतीश कुमार की बैठक से पहले मनोस्थिति क्या थी पार्टी के नेताओं की जी, और जी। जो बैठक हुई उसके बाद एग्जैक्टली पार्टी के नेताओं को निर्देश क्या दिया गया है जी। देखिए, कनेक्शंस बहुत सारे हैं, बैठकर हवा में तीर चलाना है जी। तो हम कुछ भी कह सकते हैं, तो ये भी कह सकते हैं कि सीबीआई की रेड पड़ी, बेचैनी में नीतीश कुमार ने बैठक बुला ली जी। हम ये भी कह सकते हैं कि लालू यादव पर जिस तरीके से दबाव बनाया है आज एक संवैधानिक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है संगठन ने, उससे दबाव अब नीतीश पर भी दिखेगा। देखिए, हाथ तो सभी के गंदे हैं तमाम में जी जी, सभी को इस बैठी गंगा में ही हाथ धोना है जी। राजनीति में कब किसके ऊपर क्या आरोप लग जाए ये नीतीश कुमार को भी एहसास हो गया है, वरना जो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के नाम पर परहेज करके सरकार गिरा सकते हैं जी। वो नीतीश कुमार आज अगर वो खड़े हैं तेजस्वी यादव के सामने एक साथ भाजपा के खिलाफ, वो भी जी। तो समझ लीजिए कि सब कुछ बदल सकता है राजनीति में जी जी, ये कुछ भी नहीं होता है, न मित्र न दुश्मन जी। अब आज मीटिंग से पहले की मनोस्थिति क्या है ये समझ लीजिए जी। देखिए, आरसीपी सिंह के भविष्य को लेकर तो फैसला करना ही था। हाँ हाँ, आरसीपी सिंह को जिस तरीके से पार्टी ने साइडलाइन कर दिया है और मंत्रालय की बात आपको अच्छे से पता है जी, अगर आरसीपी सिंह मंत्री बने रहना चाहते हैं तो उन्हें दोबारा राज्यसभा जाना ही होगा जी। और इससे भी बड़ी सवाल कहीं ना कहीं ये खड़ा होता है कि अगर नीतीश कुमार को मंत्री बनाए रखना है आरसीपी सिंह को जी, तो उन्हें दोबारा राज्यसभा भेजना होगा जी। इतना ही नहीं, ये भी चर्चाएं हैं आरसीपी सिंह के हाथ में इस पार्टी के अच्छे खासे विधायक और बिहार कैबिनेट के मंत्री हैं जी। संगठन का भी एक अच्छा खासा अनुभव रहा है, काफी दिनों से काम करते रहे हैं, एक कुशल संगठन करता थे। आरसीपी टैक्स तो याद ही होगा आपको, बड़ा फेमस टर्म था। तो संगठन में इतना जो रच बस गया हुआ आदमी उसे निकाल कर जी नीतीश कुमार को ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन करना होगा। मतलब नीतीश कुमार ये समझ रहे थे क्या कि आरसीपी सिंह के टच में है तो हम बुलाकर उनका नब्ज टटोल ले कि वो भी क्या चाहते हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही बात कही जी। मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं निर्देश था कि केवल और केवल जदयू के जितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको बुलाया जाए, जितने विधायक हैं उनको, पार्टी के शीर्षस्थ पदाधिकारी जी उनको बुलाकर एक रूम में बिठाकर ये पूछ लेना कि कहीं अगर हम राज्यसभा नहीं भेजते हैं आरसीपी सिंह को जी, तो उसके बाद जो कुछ होगा क्या उसके लिए पार्टी तैयार है जी, क्या आप तैयार हैं, क्या आप सच में ये फैसला मेरे हाथ में देना चाहते हैं जी, या फिर केवल कहने की बात है कि नीतीश कुमार फैसला लेंगे जी जी। अगर ऐसा तो नहीं कि मैं फैसला लूं और उसके बाद आप में से कुछ लोग पलट जाए जी जी, या वो दूसरे पाले में चले जाए। देखिए, इतना खुलकर तो नीतीश कुमार नहीं ही पूछेंगे किसी से जी, चेक कर रहे थे यार। लेकिन तो यही हुआ जी, आइए मुलाकात कीजिए। और खास बात देखिए, ये भी चर्चाएं बिल्कुल हुई होंगी कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के ऊपर सीबीआई का जो रेड पड़ा है इससे छवि तो खराब होगी जी। नीतीश कुमार अगर खड़े रहेंगे साथ में तेजस्वी यादव के अगर हर मंच पे यहाँ से भी जी जी, तो ये तो आरोप लगेगा ना उन पर भी, जब तक भ्रष्टाचार का आरोप हल्का लगा था तो इतना कुछ कर दिया नीतीश कुमार ने। और आज भ्रष्टाचार के आरोप के कहीं ना कहीं सीबीआई के जांच होने के बावजूद भी वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जी। देखिए, भाजपा
मोड में है और भाजपा ने जिस तरीके से आरसीपी को अपना बना लिया है जी, नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी तो शुरू ही हो गई। जी जी, आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने आज फैसला कर लिया है कि आरसीपी सिंह जाएंगे नहीं जाएंगे। भैया सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आप जानते होंगे जी, और एक मसल मेमोरी होता है। हाँ हाँ, सबकॉन्शियस माइंड तो नीतीश कुमार का नहीं चाहता जी, जी ये बातें हैं वो भाजपा के हाथों में चले गए हैं, लेकिन मसल मेमोरी जो है वो हमेशा चीजों को पुनरावृत्ति करने के लिए प्रेरित करती है जी, और उस वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का बिल्कुल ही ये कह रहा होगा कि जो रास्ते पर चल रहे हैं चलते जाइए, और आरसीपी सिंह को दोबारा भेजकर कोई नया लफड़ा मोल मत लीजिए जी, मतलब कोई लफड़ा लगाइए मत, आरसीपी सिंह को भेजिए। और देखिए कहीं ना कहीं मैसेज तो तभी आ गया था, अगर आरसीपी सिंह को केवल भाजपा के और अपने रिश्ते सुधारने के लिए अगर नीतीश कुमार को भेजना होता तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि वो हेगड़े वाली सीट पे भेज दिए होते जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्हें भेजने का शायद मन ही नहीं है, मन नहीं है या लंबा खींचना चाहते थे जी। जो भी हो देखिए फैसला तो नीतीश कुमार को करना है, नीतीश कुमार की किसी भी फैसले को कोई भी इंटरप्रेट नहीं कर सकता है। बिहार के बड़े बड़े विश्लेषक नीतीश कुमार के साथ चाय ही पीते हैं, दावा करते हैं, उनका भी एनालिसिस फेल हो जाता है नीतीश कुमार को लेकर हर बार जी जी। तो ऐसी स्थिति में ये कह देना कि नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को टिकट नहीं देने का फैसला कर लिया है ये भी गलत होगा, और ये भी कह देना गलत होगा कि आरसीपी सिंह को भेज रहे राज्यसभा, ये कन्फर्म हो गया जी। इतना जरूर है कि मंथन हुआ है, सारे पहलुओं पर मंथन हुआ है जी, हर बिंदु पर चर्चा हुई है, और ये तय करने की कोशिश की गई है कि पार्टी के नेताओं द्वारा अगर आरसीपी सिंह को भेजा या नहीं भेजा जाता है जी, तो क्या रिएक्शन आएगा, क्या वो विधायकों की संख्या जो बताई जा रही है कि 20 से ऊपर है संपर्क में है उनके, क्या ये सच्चाई है, क्या 20 विधायक मोबिलाइज हो जाएंगे जी। हमने कुछ दिनों पहले ही देखा है कि वीआईपी पार्टी एक बिहार में थी जिसके विधायक 4 थे जी, उनके विधायकों की संख्या 0 हो गई जी, ये सब भाजपा के रहमोकरण से हुआ है। अच्छा, और अगर हम नीतीश कुमार की पार्टी को देखते हैं तो नीतीश कुमार काफी मजबूत नेता है, मुकेश सहनी के बहुत पहले से राजनीति करते आ रहे हैं, सत्ता के शीर्ष में रहे हैं और जी, लेकिन ये कह देना कि सारे विधायक उनके उनके संपर्क में ही है जी, सबको सांसद विधायक सबको आगे बढ़ना है जी जी, सबको मंत्री बनना है, और उपेन कुशवाहा माफ कीजिएगा ये आरसीपी सिंह ने तो साबित ही कर दिया कि सब कुछ दाव पर लगाया जा सकता है सत्ता और पावर प्राप्त करने के लिए। तो क्या लग रहा है कि इस बार आरसीपी सिंह की एक बार फिर से वापसी हो गई क्या? देखिए मुझे जो मेरा जो मनोवैज्ञानिक जो सोच मेरी है जी, वो तो यही कहती है कि नीतीश कुमार को रिस्क नहीं लेना चाहिए। अच्छा, खासतौर पे आज जो पूरे दिन हुआ है वो देखते हुए मतलब नीतीश को भी इस बात का डर है कि भाजपा इस तरह की कार्रवाई मेरे ऊपर भी कर सकती है क्या? क्यों नहीं कर सकते, नीतीश कुमार जी सरकार पर भी तो होनी ही चाहिए जी जी। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला आज लिया है जिसकी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, हालांकि फैसला तो ले लिया जी, सुन लीजिए मैं बिल्कुल गोल हो जाना है जी, नीतीश कुमार फैसला तो कर चुके हैं जी, बिल्कुल कर चुके हैं, अब बस उस फैसले की घोषणा करना बाकी है, और हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि उस फैसले का रिएक्शन क्या आता है ये हमें जानना है जी। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है उस फैसले को लेकर काफी चर्चा थी, हालांकि अब एक दो दिनों में साफ हो जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने सब कुछ साफ कर दिया है, जिस तरीके से उनके विधायकों ने जवाब दिया, उनके मंत्रियों ने कहा कि नीतीश जी ही सब कुछ करेंगे, तो ये तय है कि अब आने वाले दिनों में आरसीपी सिंह को लेकर नीतीश कुमार ने सब कुछ सोच लिया है, देखना होगा। ये भी हो सकता है कि नीतीश कुमार बुलाकर सबको, और अगर फैसला आरसीपी के खिलाफ लेना है जी, तो ये सबके माथे पर डाल दे जी जी, भाई तो कुछ भी हो सकता है, सब ने मिलकर फैसला लिया है जी, तो कुछ भी हो सकता है, नीतीश कुमार ने फैसला कर ही लिया है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देना जी। तो ये मानकर चले कि जैसे अदालत का फैसला आता है उसको रिजर्व रखा जाता है, तो वही नीतीश कुमार ने इस फैसले को रिजर्व रखा है, और एक दो दिनों में ललन सिंह इस फैसले को सुना देंगे, उसके बाद तय हो जाएगा कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार ने क्या फैसला लिया। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।